टोटल पैसा वेस्ट। सबसे बकवास मूवी में ये मूवी एकदम फालतू, कुछ भी नहीं, खाली बस लड़ाई लड़ाई। इतनी मनहूस मूवी है, ऐसा लगा के कचरे में डाल दिए। सेटोन का नाम सुना आपने? सर के दर्द की गोली, वो जाके खाऊंगा मैं तो। सर का टॉर्चर है। इसके लिए अपने सलमान भाई सबसे बेस्ट। सलमान शाहरुख बहुत मिसकी में, पैसा वसूल है, फाइटिंग ठीक ठाक है, कोई खास नहीं। सलमान भाई वो आपकी जगह लेगा। शाहरुख का और टाइगर का काम बहुत अच्छा, शाहरुख का बोलो, सलमान का, अक्षय कुमार का। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जिस तरह की मूवी मैं सोच के गया था ना कि भाई मुझे देखने मिलेगा, वो जो हाइप बनी हुई मूवी की, जिस तरह की मूवी है, टोटल पैसा वेस्ट, मनी वेस्ट। इतनी मनहूस मूवी है, इसको फ्री में भी किसी ने देखा ना तो सर का टॉर्चर है। जो इंसान मेंटली मतलब सही रहेगा ना, वो पागल खाने जाना फिक्स है भाई उसका। इस तरह की स्क्रीन प्ले, इस तरह का घटिया डायरेक्शन अली अब्बास डफर का, उसको अली अब्बास डफर ही बोलो, जफर या जफर मत बोलो, इतना सड़ी हुई मूवी, इतनी सड़ी हुई मूवी मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना सड़ा हुआ एक्शन, आप बताना क्या चाह रहे हो, आप दिखाना क्या चाह रहे हो, आप प्रेजेंट क्या करना चाह रहे हो, मेरे तो वो समझ में नहीं आया। हर दो मिनट के बाद एक्शन, और एक्शन ऐसा, उससे अच्छा मुझे फ्री फायर और पबजी लग रहा था कि भाई मैं उससे फ्री फायर पबजी खेल लूँ। मूवी टोटल वेस्ट है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, मज़ा नहीं आया जरा भी मूवी में। पिक्चर बनाने में 300-350 करोड़ लग गए, ऐसे क्या बना? मैंने सुना 300-350 करोड़ लगे, और इसका जो एक्शन डायरेक्टर है ना, वो फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवी उन्होंने मतलब एक्शन डायरेक्शन किया है, तो उन्होंने शायद पता नहीं इंडिया में आके क्या भांग पी ली थी, क्या कुछ नशा कर लिया था, या फिर सस्ता नशा करा जो ऐसी मूवी मतलब डायरेक्ट किया। और अली अब्बास डफर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि रोज़ का 3-4 करोड़ खर्चा हो रहा था इसमें, तो कहाँ लग रहा था मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था। इतना कार्टून टाइप मूवी बनाई है ना कि कोई छोटा बच्चा भी इसको देखे ना तो पागल हो जाए, ऐसी मूवी है ना। मूवी में कोई स्क्रीन प्ले है ना, डायरेक्शन है, कुछ भी नहीं, मतलब टोटल वेस्ट है, टोटल वेस्ट है। और वो मनुष्य चिल्लर है, मानुष चिल्लर वो लोग क्यों लिया है, ग्लैमर है क्या बनाया भाई मूवी। मैं ये इस चीज़ को समझूँ तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, उसको समझूँ तो यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, टोटल वेस्ट। इससे अच्छा मैदान देखो, वो अच्छी है, वो अजय देवगन जो फुटबॉल को लात मार रहा है ना, वो एक्चुअली मेरे ख्याल से अक्षय कुमार ही है जो उसको लात मार रहा है। जरा सा भी दम नहीं है मूवी में, टोटल वेस्ट ऑफ मनी है भाई। एक तो देखो अक्षय कुमार का कैसा है ना, तुम अगर एक्टर हो ना तो एक्टर रहो, तुमको पॉलिटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदे ने जो अपनी इमेज बनाई है ना, कंगना रनौत का आपने देखा हुआ है क्या हाल हुआ है बॉलीवुड में, उनकी तेजस आई, उनकी बहुत सी मूवीज आई जो पब्लिक ने मतलब उनको बता दी उनकी औकात के भाई तेरी बहन औकात यही है और तू देख ले अब तेरा क्या होगा। तो अक्षय कुमार उसका बड़ा भाई लग रहा है मेरे को, हाँ। तो अक्षय कुमार का वही हाल है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो भाई अक्षय कुमार का भी बुरा टाइम चालू हो गया है। अगर टाइगर श्रॉफ की मैं बात करूँ ना, उस बंदे के अंदर टैलेंट बहुत है, उसके अंदर वो चीज़ है कि आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे। टाइगर श्रॉफ इंसान अच्छा है, टाइगर श्रॉफ एक्शन अच्छा करता है, उसको एक अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल पा रहा। और इंडिया के जो डायरेक्टर है ना, उनको सिर्फ अपनी जेबें गर्म करनी है और डायरेक्शन एकदम थकाऊ बनाना है, जैसा अली अब्बास डफर का डायरेक्शन है इसके अंदर। और भाई अली अब्बास डफर से मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन थी ना, उन्होंने अच्छी अच्छी मूवी डायरेक्ट की है, चाहे टाइगर जिंदा हो या फिर सुल्तान हो, ऐसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की है सलमान खान को लेकर। तो भाई उन्होंने इसमें क्या सस्ता नशा किया था, क्या किया था, अपनी जेब गरम की, मुझे कुछ नहीं पता, टोटल डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और इसके अंदर एक प्रोपोगेंडा भी है कि भाई मस्जिद को बताया गया, मस्जिद को ब्लास्ट करते हुए बताया गया, तो हो सकता है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी इस मूवी को ना आए देखने, वो एक रीज़न हो सकता है कि भाई नहीं आए। तो मूवी में भाई ज़र्रा सा भी दम नहीं है, वही बोलूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं क्यों आया हूँ या कहीं चला जाऊँ, टोटल डिसअपॉइंटमेंट, कुछ नहीं मूवी में, दम बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वीराज सुकुमार ने काम अच्छा किया है, देखो मैं फिर वही चीज़ बोलता हूँ कि एक्टर्स का काम है एक्टर करना, एक्टिंग करना, और बट जो काम लेना होता है ना, वो मेन रहता है डायरेक्टर का। बट अगर डायरेक्टर ही तुमको बोल दे भाई मैं कैमरा चालू करके जा रहा हूँ सोने, तुमको जो करना है करते रहो, मुझे ऐसा लगा अली अब्बास जफर ने वो किया, कैमरा चालू कर रहा है कि एक्शन करो, मैं जा रहा हूँ सोने, तुमको जो करना है करो, मेरा एडी है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो संभाल लेगा, वो समझा देगा तुमको। तो सीन कुछ ऐसा ही था मूवी में। 350 करोड़ पता नहीं इन्होंने अपने घर में लगाए, अपनी अम्मा को लगाए, अपनी अब्बा को लगाए, कहाँ लगाए इनको ही पता भाई। मूवी में तो 350 करोड़ मेरे को नज़र नहीं आए। और मूवी का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन था 15 करोड़ का हुआ है, तो वो भी भाई मेरे को नहीं लगता कि ऑर्गेनिक है। और जैसे कि आपको पता है फर्स्ट डे का जो यहाँ पे शो रखा गया था 6:30 का PR के द्वारा बुक, सुबह का
फैंस के द्वारा बुक, तो जितने भी कल क्राउड आया था ना, कल ईद का मौका था, चलो ठीक है क्राउड आ गया, बट इसका जो एक्चुअल मालूम पड़ेगा ना आपको वो मंडे से, कि मंडे से कौन सी मूवी ज़्यादा परफॉर्म करती है। अगर मैं मैदान की बात करूँ ना, तो मैदान एक ऐसी मूवी है ना, अजय देवगन अपनी आँखों से एक्टिंग कर रहा है, जो मोहम्मद अली कुछ नाम है उनका, हाँ मोहम्मद रहीम, उन जो बायोपिक एक बनाई 1952 से 1962 तक की कहानी अजय देवगन ने जो प्रेजेंट की है ना, अमित शर्मा, आई थिंक अमित शर्मा डायरेक्टर है, हाँ उनका डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, और अजय देवगन ने जो एक्टिंग की है ना भाई, वो कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से 16 प्लेयर को लेके चला है ना वो, आपको ज़रा सा भी सीट से हिलाने का मतलब मौका नहीं मिलेगा। 3 घंटा आपको ऐसा लगेगा कि भाई कम पड़ गया क्या मेरे को, कि मूवी ख़त्म कैसे हो गई, आपको रोना आएगा, लिटरली आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। वो मूवी ऐसी है मैदान, तो मैदान देखो, मैदान पूरा साफ है, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ आप जो सोच के आते ना कि अमिताभ बच्चन और गोविंदा वाला, तो वो मत सोचो, ये वो नहीं है, ये भाई मेरे ख्याल से भोजपुरी बड़े मियाँ छोटे मियाँ बना दिए उन्होंने, टोटल डिसअपॉइंटमेंट है। क्या बोलूँ अक्षय कुमार को, बाबू भैया आप बर्बाद हो गए। क्या बोलना चाहोगे, आपने तो इसकी अजय देवगन की पिक्चर की तारीफ कर दिया है, कुछ फैंस आए, कुछ अनबक आए, बोले कि आपने पेड किया है, आपको पैसा मिला होगा, उसका क्या बोलना चाहोगे? भाई देखो, मैं कोई इतना बड़ा क्रिटिक नहीं हूँ, मेरा भी छोटा मोटा चैनल है, हमको कोई पैसा देता नहीं है, और देता है तो भी हम लेते नहीं है। अगर मैं मैदान की बात करूं तो उसका ऑर्गेनिक क्राउड है, ऑर्गेनिक बुकिंग है, उसके कोई फ़ैन बेस नहीं आया, उसका कोई सेलिब्रेट करने नहीं आया, उसने अपने 2-3 दिन पहले प्रेस शो रखा, वहाँ पे मीडिया ने अच्छा रिव्यू दिया, मैं मीडिया पर भी नहीं जाता भाई, मैं मीडिया पर भी भरोसा नहीं करता हूँ सीधी बात, क्योंकि जनता जनार्दन है, जो पब्लिक बोलती है मैं वही भरोसा करता हूँ। उसके बाद जो इसका एक दिन ईद से पहले 10 तारीख को शो रखा गया मैदान का, 2 शो 6:30 बजे का, जब मैंने पब्लिक का रिव्यू लिया ना, तो पब्लिक ने मूवी को अच्छा ही बोला, और हर एक ने अच्छा बोला, 99.9% मैदान को लोगों ने अच्छा ही बोला, और उसी पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे 99.9% लोगों ने गलत ही बोला कि भाई क्या बना दिया है, क्या है क्या है। और जो तारीफ़ कर रहा है ना, मुझे लगा है वो अपने बीवी से, बच्चों से, घर वालों से, मुंबई की ट्रैफिक से परेशान है, फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए बड़े मियाँ एक्शन मूवी देख रहा है, उसको लग रहा है कि भाई मैं भी बहुत बड़ा गुंडा हूँ, तो उनको बड़े मियाँ छोटे मियाँ पसंद आ रही है। मुझे तो टोटल इससे अच्छा आप 50-100 रुपये अपने पास रखो, आपके पास गर्लफ्रेंड है तो आप ओयो में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, घुमाओ फिराओ, खाओ खुजाओ, बत्ती बुझाओ, बट बड़े मियाँ छोटे मियाँ प्लीज़ भगवान के लिए मत आओ। अगर आप अपना पैसा, जहाँ जहाँ ये मूवी लगी है ना, उससे 10 मीटर दूर रहना, और बस क्या ही बोलूँ, पागल खाने की गाड़ी तैयार कर लेना अगर ये मूवी आप देखने आ रहे हो तो। भाई मुझे तो बहुत डिसअपॉइंट करी है मूवी। क्या कहना चाहोगे, ईद के मौके पे सलमान शाहरुख को देखते लोग इतनी भीड़ आती है, अक्षय कुमार का ट्राई था कि सलमान को रिप्लेस करने का, कि मतलब ईद में ला के ऑडियंस उतनी आना चाहिए, पर वो भी बोलते ना फ्लॉप हो गया, तो क्या बोलना चाहोगे इसके लिए? हर कोई ना मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता, तो जो ये ईद का एक चालू किया है ना भाई, कि भाई ईद में मैं आऊँगा सलमान खान ने, तो ईद का फेस्टिवल उसी का है सलमान खान का। उसकी फ्लॉप से फ्लॉप मूवी में वो जो अभी लास्ट ईयर आई थी सलमान खान की मूवी, किसी का हाथ किसी की टांग, उसके अंदर भी भाई, सॉरी किसी का भाई किसी की जान, उसके अंदर भी भाई मतलब नॉर्मल से अभी देख रहे हो ना, कुत्ता भी नहीं मुतरा, सिर्फ अभी कपल भी आ रहे हैं, जो ईद का जो चालू है ना फेस्टिवल, तो वही लोग आ रहे हैं मूवी देखने। बट अगर सलमान खान की यहाँ मूवी रहती ना, तो खाली से खाली भी भाई 36 करोड़ की ओपनिंग, 20 करोड़ की ओपनिंग ऐसी लगती थी मूवी को। और इस मूवी में तो ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं पब्लिक कहाँ है, कर्फ्यू तो नहीं लगा है, मोदी जी ने वापस से ऐसा तो नहीं लगा कि लॉकडाउन लगा दिया यहाँ पे गिटी गैलेक्सी पे, तो इससे ज़्यादा पब्लिक तो आपको सलमान खान और शाहरुख खान के घर के बाहर नजर आने वाली है, जो खाली इनको देखने के लिए। और यहाँ पे नील भट्टा सन्नाटा है, साफ है, कुछ नहीं है बड़े मियाँ छोटे मियाँ में। इसको स्टार मत दो, इनको सबसे पहले अली अब्बास डफर को ना जेल में डालो, उसको 2 दिन तक वहाँ पर रखो, और इसको इतना सूतो कि दोबारा ये गलती ना करे। इश्क पिक्चर में ना वो एक डायलॉग था, मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो, किसने बनाए मुजस्मा, वैसा वाला सीन, तो हम भी उसके हाथ कटवा दो, उसके पैर कटवा दो, ताकि ऐसी दोबारा गलती वो ज़िंदगी में अपनी ना करे, और ऐसा टॉर्चर ऑडियंस को बिल्कुल ना दे। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ ने मेहनत अच्छी की है, बट डायरेक्शन ने डिसअपॉइंटमेंट इतना किया है ना, उसको 2 दिन जेल में रखो, इसकी इतनी सुताई करो कि उसको डायरेक्शन का मतलब समझ में आए कि डायरेक्शन किसको बोलते हैं। और इस मूवी को कोई स्टार नहीं है, 0 स्टार है मेरी तरफ से भाई, सॉरी। यू वेलकम। बोलूँ कुछ सच में? दिखाओगे ना अली अब्बास जफर को? ज़रूर दिखाना, कि उसकी जो पिछली पिक्चर थी ना, उसके मुकाबले सबसे बकवास, ऐसा लगा वो भूल गया पिक्चर बनाना, ऐसी पिक्चर मैंने आज तक नहीं दिखा बकवास। क्या कमी लगी आपको? अरे कमी पूरी पिक्चर ही कमी है, किसका अच्छा एक्टिंग है?
अक्षय कुमार का कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कोई डुप्लीकेट निभा रहा है उसका कैरेक्टर, कुछ पसंद ही नहीं आया। और पिक्चर में कहानी नाम की तो चीज ही नहीं थी, इससे अच्छा अपनी पठान ही सही थी। पठान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, उसमें भी सेम प्रोजेक्ट था, ये भी सेम प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बकवास थी। ये बकवास है, वो अच्छी है। 300-350 करोड़ की ऐसा लगा कि कचरे में डाल दिए। क्या बोलो आपको, ऐसा लगता उठा के कचरे में डाल दिए। खाली वो बोले ना सेटअप बनाने में लगा दिए पूरा इन लोगों ने, बाकी कुछ पिक्चर में है नहीं। ईद इतना बड़ा त्यौहार है, गलत पिक्चर को यूज़ किए। ईद के दिन अपने सलमान भाई सबसे बेस्ट, वही जब जब आते हैं ना तो दिल खुश करते हो। उसके अलावा कुछ अली अब्बा जफर की पुरानी पिक्चर से इतनी उम्मीद थी ना कि हमें बहुत मज़ा आया, लगा था कि ये पिक्चर भी उनकी है तो सुपर होगी, लेकिन पिक्चर ने पूरा मूड खराब कर। अरे भाई एक्टर की हीरोइनों की पिक्चर ही नहीं है, खाली एक्टर के ऊपर है, लेकिन वो एक्टरों ने काम ऐसा किए। अक्षय कुमार सर तो हमारे थे फेवरेट, लेकिन इस पिक्चर से उन्होंने नाराज कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा कोई डुप्लीकेट एक्टिंग कर रहा, तो मज़ा नहीं आया। सर क्या बना जाए कि देशभक्ति पे पिक्चर चलाना भी, देशभक्ति पे है लेकिन अपन को भी देश पे प्यार है, लेकिन पिक्चर तो अच्छी बनाओ जिसमें कोई मैसेज मिले, कुछ मिले। इसमें क्या टेक्नोलॉजी दिखा के कोई मैसेज तो ही ना, अभी पठान में भी आया था ना मैसेज था ना, इसमें कोई मैसेज नहीं, कुछ भी मैसेज। चलो विलन किसे थे? अरे विलन तो यूज़ ही नहीं किए ना उनको, ऐसा लगा कि वो नाक के बराबर आए और गए, उनका तो यूज़ ही नहीं किए बराबर थे, उनको तो मेन यूज़ करना चाहिए था, उनको कुछ भी यूज़ नहीं किए। चलो यो कैसी लगी पिक्चर? एकदम फालतू। अली अफर जफर की सबसे बकवास मूवी में ये मूवी। अरे सुल्तान और टाइगर जिंदा को देख के उसके मामले में समझ में आ रहा ना कितनी फालतू मूवी है। कहाँ है इसमें ना एक्शन है, कोई भी ऐसा सीन बताओ तुम टाइगर जिंदा के मुकाबले में क्या है इसमें जो अपने को समझ में आया। कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक फ्रेम इधर से उठा के उधर रख दे रहे, तो वो देखने आ रहे हैं हम तो छोड़ दो फिर, मतलब ही क्या है। कहाँ है एक्शन, कहाँ है, सिर्फ गन और बारूद तो चल रहे, पीछे में एक्शन कहाँ कर रहे। अक्षय कुमार तो सिर्फ फ्रेम में और टाइगर श्रॉफ तो फिर साइड में ही है, वो तो कुछ मतलब कहीं नहीं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हाँ तो टाइगर 350 करोड़ खर्चा करके सब अपने अपने पॉकेट में डाल के बैठ के देख रहे थे मजे में, IBM से सेट कर लिए पिक्चर, बात खत्म। इससे बकवास मूवी नहीं रहेगी, इसके मौके पर सलमान खान तो लाता ही है ठीक ठाक मूवी, लेकिन भाई साहब ने तो कुछ भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं। किसका काम था, हीरोइन लोग तो सिर्फ फोटो फ्रेम के लिए थे ना, फोटो फ्रेम करके चले गए वो लोग। हीरो लोग थे जो साइड में खड़ो के कॉमेडी कर रहे टाइगर श्रॉफ, बाकी तो टाइम पास था। कहाँ है विलन, कहाँ पे, मेरे को तो पूरी पिक्चर में नहीं दिखा विलन, सिर्फ वो मास्क के पीछे कोई खड़ा था, आधा चेहरा दिखा के क्या दिखा रहे थे वो पता नहीं, कुछ पता नहीं। क्या कहना चाहोगे, पौने तीन घंटा अंदर कैसे बिताए थे? सेटेडोन का नाम सुना आपने, सर के दर्द की गोली, वो जाके खाऊंगा मैं बस, थैंक यू। देश पे अच्छी मूवी है, एकदम फालतू, कुछ भी नहीं, खाली बस लड़ाई लड़ाई, कुछ भी मतलब कहानी नहीं, कुछ नहीं। अरे सो रहा था। क्या कमी लगी पिक्चर में, कुछ भी नहीं मतलब कुछ कहानी नहीं बताया, खाली बस एक्शन लड़ाई 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 और कुछ नहीं बताया। एक्टिंग भी दोनों एक्टिंग अच्छी लगी, पर स्टोरी दम नहीं है। अच्छी लगी मेरे को पिक्चर, नाइस, एक्शन बहुत है उसका, एक्शन अच्छा और एक्टर मस्त है। क्या कहना चाहोगे ईद के त्यौहार पे सलमान खान को? यस यस, सलमान शाहरुख बहुत मिस की मैं बहुत, उनके अलावा पिक्चर कोई खास रहती नहीं, वही मतलब अच्छी उनकी अच्छी रहती पिक्चर ज़्यादातर। क्या मैसेज मिला पिक्चर में? कुछ नहीं, देश की सेवा करना चाहिए। लेकिन अच्छी बनी पिक्चर, देश की सेवा तो ज़रूरी है करना, हिंदुस्तान बहुत अच्छी, ठीक ही है, पैसा वसूल है, ठीक है, अच्छा एक्शन मूवी है, अच्छी बहुत अच्छी है। क्या अच्छा लगा? फाइटिंग। कैसी लगी पिक्चर? अच्छी लगी, अच्छी है पिक्चर, अच्छी। सर कैसी लगी पिक्चर? ऑल द बेस्ट। क्या लगी, बढ़िया। सर कैसी लगी मूवी? ठीक ठाक है, कोई खास नहीं, बढ़िया लगी। क्या बढ़िया लगी? अच्छी लगी बिल्कुल। कैसी सर कैसी लगी पिक्चर? एक नंबर मूवी। टाइगर छोटे टाइगर का ना रोल एक नंबर लगा,
आने वाले टाइम पे है ना वो बड़े टाइगर की तरह ना धमाल मचाने वाला है बॉक्स ऑफिस पे। समझ रहे ना आप सलमान भाई, ईद मुबारक। मगर आने वाले टाइम पे है ना सलमान भाई वो आपकी जगह लेगा और आप ही का चेला रहेगा वो छोटा टाइगर, आपके नक्शे कदम पे चल रहा है वो। अच्छे मूवी पिक्चर अच्छा लगा है, कोई वादा नहीं है, एक्शन पिक्चर है और शाहरुख का और टाइगर का काम बहुत अच्छा है। शाहरुख का बोलता सलमान का, अक्षय कुमार का जैसे करण अर्जुन की जोड़ी है वैसी है जोड़ी है दोनों, टाइगर की और अक्षय कुमार की, और हीरोइन लोग का भी दोनों का काम अच्छा है। एक्शन मूवी है और ज़्यादा मेरे को विलन का सबसे अच्छा लगा, पृथ्वीराज का बहुत अच्छा एवन विलन है और उसने काम भी किया है जैसे अमरीश पुरी करता है वैसा काम करता है। नहीं नहीं स्टोरी है, आदमी देखेगा तो कुछ मालूम पड़ेगा ना, और एक्शन पिक्चर है वो कमी और वो कंप्यूटर के ऊपर पूरा पिक्चर दिया है और जो कंप्यूटर जानता है वो बराबर उसको लगेगा पिक्चर है उसके लिए जो भी। नहीं ईद का मौका इसके लिए है कि सब अभी महीने भर से जो रमजान में थे और फिर अभी छुट्टे हो गए तो सैटरडे संडे पिक्चर फुल हो जाएगी इसके लिए। थैंक यू। अक्षय कुमार तो एवन है, वरना ने उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते। हाँ।